फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी में किसी ऑफिस में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है या फिर आप एक पीएफ कंसल्टेंट है, लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन निकालते रहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया गया है यूएन पोर्टल पे, जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि सारा कुछ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप भी जानना हो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिफाइड पोर्टल के लॉगिन पेज पे आ जाना है और आपको अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और ये जो भी कैप्चा दिख रहा है वो एंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो अलर्ट देखने को मिल रहा है ना, इसमें ही अपडेट किया गया है। पहले ये अलर्ट कुछ इस तरीके से दिखता था, आप देख सकते हैं अलर्ट, आप देखते हैं ये पुराना वाला अलर्ट, आप देखते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ रहता था और ये करीब एक से दो लाइन में ही है और यहाँ पे लाइनें बढ़ा दी गई हैं। इसमें कुछ जानकारियां भी दी गई हैं वो हम जानेंगे। पहले ये पुराने वाले में केवल लिखा रहता था, अब प्रिय सम्मानित सदस्य ई नामांकन सुविधा ई साइन के साथ उपलब्ध है। यदि आपने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत दर्ज कर लीजिए। हालांकि फ्रेंड्स अभी का जो नया अपडेट कर दिया गया है, नया अलर्ट किया गया है, उसमें अब आप जब जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, ये सभी के साथ दिखने को मिलेगा। आप अपने यूएन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आप में भी सेम ये ही अलर्ट देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप जिसमें सुटेबल है उसमें पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैं पढ़ के बता देता हूं, ई नामांकन सुविधा ई हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध है। अपना नामांकन तत्काल फाइल करें ताकि आप ईपीएफओ कार्यालय में गए बगैर बेहद सुविधाजनक तरीके से सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को सक्षम बना सकें। ईपीएफओ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस दौरान आप ई नामांकन के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को सशक्त बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक अलर्ट के माध्यम से ईपीएफओ के द्वारा बहुत ही गहरी बात की गई है। फ्रेंड्स हालांकि ई नॉमिनेशन यदि आप नहीं करते हैं तो आप यदि पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे तो पेंशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके मृत्यु के बाद ही ई नामांकन काम करता है, आप अगर जीवित हालत में हैं और पेंशन लेना चाहते हैं तो उस केस में भी आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल आप पेंशन फाइल नहीं कर सकते हैं, पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो आएंगे। और यहाँ पे मृत्यु के बाद तो ये काम करता ही करता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ईपीएफओ के द्वारा ये जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये क्या है। अब फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने अपना ई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया हुआ है ना और बिना किसी प्रॉब्लम के फाइल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक वीडियो देख लेना चाहिए, जो कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे मैं चिपका भी दूंगा, आपको देखने को मिल जाएगा इसका कुछ थंबनेल। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे एक बार ना तो फिर आपको कोई दूसरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जब भी आप ई नॉमिनेशन करते हैं उसमें जितनी सारी प्रॉब्लम आती है सारे के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। यदि आपने पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना तो आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन उसी एक वीडियो में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल विजिट करते हैं, वहाँ पे काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो बिल्कुल एक लाइक कर दो, जिससे मोटिवेशन मिलता है हमें और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने ई नॉमिनेशन कर लिया है लेकिन आपका जो भी दोस्त मित्र फैमिली सर्कल के लोग हैं जिन्होंने अभी ई नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है वो फाइल कर पाएंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।